हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं किस चीज़ की अनबॉक्सिंग लेकर आई हूँ। तो आज ये मैं लेकर आई हूँ अनबॉक्सिंग। ये मैंने 1 kg पिंक क्ले मंगाई है और ग्रे क्ले, तो ये मैंने 2 मंगाई हैं। तो अभी इस पर एड्रेस वगैरह है, तो ये मैंने अभी इसकी ये टैग वगैरह छुटाया नहीं है, तो अभी मैं इसे कट करूँगी। और ये 1 kg का पार्सल है फ्रेंड्स। अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, इसे ओपन करने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ, मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे कट कर लेती हूँ और वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसे करते हैं, अभी हम इसे करते हैं कट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कट कर लिया है और ये हाफ हाफ kg के पैकेट हैं। मैंने हाफ हाफ kg मंगाया था, मतलब और सैंपल के लिए मंगाया था, क्योंकि मैंने कभी इनको टेस्ट नहीं किया। मैं भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैंने हाफ kg मंगाया था। हाफ kg पिंक क्ले है, हाफ kg ग्रे क्ले, और मैंने कभी इनको टेस्ट नहीं किया, तो मैंने अभी सिर्फ सैंपल के लिए मंगाई है। तो मैं भी इनको निकाल लेती हूँ। निकलने के बहुत हार्डली पैक हुई है और फंसी हुई है एक दूसरे में, तो मैं इनको निकालती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, पैकेट तो निकाल लिए हैं और ये क्रम्बल्स हैं और कलर का डिफरेंस साफ पता चल रहा है, पिंक और ग्रे। अभी इसे भी ओपन कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम दे रखा होता है एक पैकिंग में। तो फ्रेंड्स इसको भी मैंने ओपन कर लिया है और देख लीजिए फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा ओपन नहीं करना चाह रही, बिकॉज़ इसमें पाउडर ही बहुत सही है और क्रम्बल्स भी बहुत हैं, देख लीजिए। तो बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा ये। और ये ग्रे क्ले हैं, बहुत पाउडरी है, दोनों बहुत पाउडरी हैं ये। और तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शोर आता रहता है उसका, तो आपको पता ही है, हमेशा गाड़ियों का शोर यहाँ बहुत आता है। बहुत रश वाला एरिया है मेरा ये, और क्रंच करने का मन कर रहा है फ्रेंड्स, बट मैं नहीं कर रही हूँ। बिकॉज़ क्या है, अगर मैं क्रंच कर लूँ, मतलब थोड़ा सा टेस्ट करने का, तो हो सकता है इस पर येलो डॉलर आ जाए। तो मैं नहीं चाहती कि इस पर येलो डॉलर आ जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस चैनल को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, बिना क्रंच करे अनबॉक्सिंग वीडियो या अदर वीडियो इस पर करे हुए, बिकॉज़ सब पे येलो डॉलर ही आ रहा है। और तो फ्रेंड्स मैं दिखा देती हूँ, देखिए एक ये कुछ भेजा है, मांगा तो नहीं था, बट ये मैंने देखा है कि मतलब कुछ और भी है इसमें, तो मैं इसे खोल के देख लेती हूँ ये है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, ये नाक्यूमट है और ये वाइट खाड़ी, ये शायद उन्होंने जिन सेलर से मैंने मंगाया है, ये सैंपल के लिए भेज दिया है, बिकॉज मैंने सैंपल के लिए ही मंगाई थी ये चीज़ें भी। तो टेस्ट करने का मन था बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी इसे कैमरे को ऑफ करके टेस्ट करके देख लिया। तो क्रंची है, अच्छा टेस्ट है, और थोड़ा सा ही टेस्ट करके देखा अभी मैंने इसे। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए क्रम्बल्स हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्रम्बल्स ही मंगाए थे मैंने, क्रम्बल्स ही थे। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करने के लिए तो क्रम्बल्स काफ़ी हैं, पता चल जाएगा इनका टेस्ट वगैरह का। अगर ये मुझे अच्छी लगती है तो मैं इनको फिर दोबारा ऑर्डर करूँगी, बट ख़त्म होने के बाद करूँगी, क्योंकि क्या होता है पहला आइटम ख़त्म नहीं होता। और तो ये मुझे कुछ बटर ग्रे टाइप लग रहा है, ये नाक्यूमट नहीं है, ये बटर ग्रे है और ये नाक्यूमट है और ये हाफ रोस्टेड नाक्यूमट है और ये भी शायद नाक्यूमट ही है। और ये वाइट खाड़ी तो जैसे कि मैंने आपको बताया दिया, ये वाइट खाड़ी है। तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे अभी एक बात करनी थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें क्रंच भी टेस्ट भी करके नहीं देख रही हूँ, बिकॉज़ क्या हो रहा है ना, जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्रंच की, तो उस पर येलो डॉलर का इशू बहुत है, मतलब येलो डॉलर ही आ रहा है जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो पिछले मैंने 2-3 दिन में जितनी वीडियोस क्रंच के अपलोड की, येलो डॉलर था उस पर। और अब जैसे मैं अनबॉक्सिंग की डाल रही हूँ तो उस पर नहीं आता है, अगर उसमें भी मैं क्रंच कर लूँगी या मतलब टेस्ट भी करके देख लूँगी, तो उस पर 100% येलो डॉलर आ जाएगा, मैं इसलिए नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स इसके चलते मैं क्या कर रही हूँ,
मतलब आइटम्स दिखाती हूँ सिर्फ, जो मैं क्रंच करने वाली होती हूँ वीडियो में उसी वक्त अपलोड कर लेती हूँ। और जैसे कि मैं बताती हूँ मैंने क्या आइटम्स लिया है आज क्रंच करने के लिए, स्वेलो करने के लिए। तो सॉरी फ्रेंड्स, शोर बहुत आ रहा है। तो जैसे मैं बताती हूँ, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ इस चैनल पे कि मैं क्या ले रही हूँ, और उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद का जो क्रंच है, वो मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। क्रंच में इस पे अपलोड नहीं कर रही हूँ, या जो भी स्वेलो कर रही हूँ वो मैं इस चैनल पे अपलोड नहीं कर रही हूँ, वो मैं आगे का प्रोसेस, मतलब आगे का क्रंच स्वेलो जो भी है, वो मैं सेकंड चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। और मैं उसका लिंक भी हाथों हाथ ही, जैसे अब आप मेरे दो बजे आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं 2 बजे अपलोड करती हूँ इस चैनल पे, तो जैसे आपने 2 बजे मेरी देखी, मैंने क्या टाइम क्या लिया है, मतलब आइटम्स क्या क्या लिए हैं, क्ले पॉट या स्लेट आइटम्स जो भी हैं, तो मैंने क्या क्या आइटम्स लिया है, मैं क्या क्रंच कर रही हूँ, वो मैंने 2 बजे अपलोड किया। अगर वो 3 मिनट की वीडियो में या 2 मिनट में बता रही हूँ कि मैंने ये आइटम्स लिए हैं, तो 2:03 पर ही, या 2:02 जितनी भी वीडियो होगी उसके बाद मैं सेकंड चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, मतलब फ़ौरन बाद ही कर देती हूँ, ताकि आपको भी परेशानी ना हो, आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। तो मैं उसके बाद ही फ़ौरन अपलोड कर देती हूँ दोनों चैनल पे। मैं ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ क्रंच वीडियो, उस पे अपलोड कर रही हूँ जो मेरा सेकंड चैनल है, और उस सेकंड चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं देती, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ और कमेंट बॉक्स में भी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। अगर नहीं करा तो फिर वही है अगेन, येलो डॉलर। तो मैं नहीं चाहती मेरी वीडियो वेस्ट हो। तो अभी मेरा सेकंड चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं, बट चलो ठीक है, कम से कम वेस्ट तो नहीं हो रही हैं वो वीडियोस, क्योंकि वहाँ पे उसका टाइमिंग काउंट होती रहेगी, अर्निंग नहीं होगी तो टाइमिंग काउंट होती रहेगी मोनेटाइजेशन में, ठीक है, वो टाइमिंग चली जाएगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बात बोलनी है मुझे कि आप मेरे उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, तो मेरी सारी वीडियोस वेस्ट रहेंगी। इतनी लॉन्ग वीडियो होती है क्रंच की, और अगर आप नहीं देखोगे तो वो सब वेस्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके उन वीडियोस को देखें और बताएं आपको कैसा लग रहा है। और जैसे कि अब ये मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो, तो आप इसको कैसे देखना चाहते हैं, इसको मैं कैसे क्रंच करूँ, देख लीजिए। पिंक ले है ये, साउंड तो थोड़ा सा अच्छा, मतलब क्रंची था, बट अब जैसे बताओगे मैं कर लूँगी वो क्या है। चलिए फ्रेंड्स, बस बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये स्टॉक, नए नए स्टॉक मिलाती रहती हूँ। और देख लीजिए ये नाकुमट है, वाइट खाड़ी है। चलिए फ्रेंड्स, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर देखें, और जैसे कि मैंने बताया है ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता इसके ऊपर से जो भी है, तब तक मैं इसे करती रहूँगी, ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय फ्रेंड्स।